वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के में डिफरेंस क्या होता है, और यहीं से हम समझेंगे कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और रिसेशनरी गैप क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के क्लास का। आप ये मान के चल सकते हैं कि इस बार आपके एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो चलिए, सबसे पहले कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स को आप क्लियर कर लीजिए। पहला है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी ऑलरेडी हमने नेशनल इनकम का टॉपिक को कवर किया है। जीडीपी का मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अप्रैल से 31 मार्च तक, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी के बारे में क्या कहता है, इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक फाइनेंशियल ईयर में। कुछ टर्म्स पहले क्लियर कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि पोटेंशियल जीडीपी में और एक्चुअल जीडीपी के अंदर क्या डिफरेंसेस क्या होते हैं, और आपका इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, रिसेशनरी गैप किसे कहते हैं। इन सभी बातों को हम अच्छे से समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे, पर टर्म्स आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। एक जीडीपी बार बार टर्म आएगा, तो जीडीपी क्या होता है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। क्लियर है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। अब पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। पोटेंशियल जीडीपी, बच्चे, पोटेंशियल जीडीपी का मतलब नाम से ही एक सेंस क्लियर हो रहा है कि कितनी कैपेसिटी है हमारी इकोनॉमी की कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी पोटेंशियल हो सकती है कि आप एक दिन में 10 आवर स्टडी कर सकते हैं, या आपकी अपनी पोटेंशियल है। जब एग्जाम टाइम आता है, जब एग्जाम से एक दिन पहले या दो दिन पहले की सिचुएशन होती है, तो उस समय आप जो है ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो आप 10 का 12 घंटे भी आप बैठ करके पढ़ाई कर लेते हैं, वो क्या, वो आपकी पोटेंशियल है। क्लियर है जी। लेकिन अगर मैं आजकल की बात करूं तो आजकल आप 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे से स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपकी एक्चुअल में जो आपका स्टडी है। तो पोटेंशियल आप कितना दे सकते हैं, कितना आप कर सकते हैं। आप देखते हैं ना हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में, आप कहते हो क्या ये पार्क तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल कुछ भी इसमें नहीं हो रहा है, तो यार इसमें पेड़ लगा देंगे तो फल ही आ जाएगा, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है यार इसको पार्किंग बना देंगे तो यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हो जाएंगी। तो इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती है कि अगर हम अपने एक पूरे इकोनॉमी को, मींस अपने पूरे रिसोर्सेस को, मींस पूरे लैंड को, पूरे लेबर को, पूरे कैपिटल को, और पूरे एंटरप्रेन्योर को अगर हम फुल्ली यूटिलाइज कर लें, क्योंकि इस समय इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखोगे कि लैंड भी बहुत सारे वेस्टेज पड़े हुए हो सकते हैं, लेबर भी बेचारे बहुत सारे ऐसे ही पड़े हुए, कैपिटल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है बैंकों में, कोई लोन ले नहीं रहा बैंकों में, वो पैसा पड़ा हुआ है, बैंक कॉल कर करके बोल रहे हैं भैया लोन ले लो, लोन ले लो। पर एंटरप्रेन्योर आप लोगों के पास में है कि आप अपना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, पर आप सोच रहे हैं यार करें ना करें। तो हमारे इकोनॉमी में जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर हम इसको पूरी तरीके से अपने यूज में ले आएंगे तो उससे जो आउटपुट मिलेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल है हमारी जीडीपी की। तो ये पोटेंशियल जीडीपी होता है। खैर, ये एक हमेशा पोटेंशियल जीडीपी के सिचुएशन में प्रैक्टिकली कोई इकोनॉमी नहीं पहुंच पाता है। ये गोल रहता है कि हमें यहां तक पहुंचना है, फुल यूटिलाइज अपने रिसोर्सेज को हमें करना है। तो ये पोटेंशियल जीडीपी होता है कि आप कितना अपने इकोनॉमी से प्रोडक्शन करवा सकते हैं। और हर इकोनॉमी यही चाहती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों की वांट्स क्या होती है, पूरी इकोनॉमी में जो भी लोग हैं उनकी वांट्स अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, तो कोशिश करते हैं कि भैया इसको फुल्ली यूटिलाइज करें और मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। और मैक्सिमम 100% वांट्स को सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकते हैं लोगों के, पर मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाइड किया जा सके। तो पोटेंशियल जीडीपी पर पहुंचने की कोशिश हर एक इकोनॉमी करते हैं कि भैया हम पोटेंशियल जीडीपी, जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उस पर हम काम करें। तो पोटेंशियल जीडीपी क्या कहता है, इट रेफर टू द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ द आउटपुट व्हेन ऑल द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड। क्लियर है, ये कुछ गलती से लिखा हुआ आ गया, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ जी, एक्चुअल जीडीपी क्या होता है कि इस समय जैसे कि आप 10 घंटे पढ़ सकते हो या आपकी पोटेंशियल है, और इस समय आप 2 घंटे पढ़ रहे हो या आपका एक्चुअल पोटेंशियल है। तो यहां पर इट रेफर द आउटपुट व्हाट आर द इकोनॉमी डज एक्चुअली प्रोड्यूस। तो कुछ टर्म्स क्लियर हुआ, जीडीपी क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, एक्चुअल जीडीपी क्या होता है। अब बच्चे, जीडीपी गैप क्या होता है, जीडीपी गैप के बारे में मैं बात करता हूं। एग्जाम्पल के लिए आप 12 घंटे पढ़ सकते हो, ये पोटेंशियल है, आप 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, ये एक्चुअल है, तो 10 घंटे का आपका गैप आ रहा है। क्लियर है, ये गैप हो गया आपका। अब जरूरी नहीं कि आपकी पोटेंशियल ऑलवेज एक्चुअल से ग्रेटर ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है।
बात समझे, कई बार हो सकता है कि आपकी जो पोटेंशियल है, कई बार आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं और पेपर कल है और कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, 10 घंटे की पोटेंशियल है, पूरी एफर्ट लगा करके आपने 10 की जगह पर 15 घंटे पढ़ाई खींच दी, तो एक्चुअल वाला पोटेंशियल से ज्यादा भी हो सकता है। पर जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि पोटेंशियल ज्यादा है और एक्चुअल कम है, बट आपका एक्चुअल पोटेंशियल से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है? नाउ जीडीपी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी, दिस वन, ये आपका क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन पोटेंशियल जीडीपी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल जीडीपी। कहने का मतलब क्या, मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक इकोनॉमी है, सबसे पहले एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मींस क्या होगा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में बच्चे आप देखेंगे कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में जो आपके इनपुट्स के जो प्राइस हैं वो आपके सेम रहते हैं और आपके जो है गुड्स के प्राइस मार्केट में आपके बढ़ जाते हैं, तो ये प्राइस लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पे आपका जो है रियल जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा। और शॉर्ट रन में मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो शॉर्ट रन में अगर इक्विलिब्रियम की बात करें हम, येलो कलर कैसा चलेगा भैया इस पे? जीडीपी गैप रिपीट कर दो भाई साहब, मैंने भी आपको बताया है कि जीडीपी गैप क्या होता है, कि आपके इकोनॉमी की पोटेंशियल कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने का और आप एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो जीडीपी गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान चाहे तो अपनी जमीन पर 100 किलो अनाज पैदा कर सकता है, वो उसकी पोटेंशियल है, लेकिन वो जो है 20 किलो अनाज ही पैदा कर रहा है, ये उसकी एक्चुअल है, तो 80 किलो का डिफरेंस आ गया, ये आपका जो है उसका प्रोडक्शन डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से जीडीपी के अंदर भी जीडीपी कितने गुड्स सर्विस को प्रोड्यूस कर सकती है, वो उसकी पोटेंशियल और कितना एक्चुअल में काम कर रही है, वो उसका एक्चुअल है, तो डिफरेंस होगा, ये गैप होगा, जीडीपी गैप होगा। अब शॉर्ट रन में आप इक्विलिब्रियम अगर बनाते हैं दिस वन, तो एग्रीगेट डिमांड आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड होता है बेसिकली, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? सप्लाई कर्व अगर आप बनाते हैं तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और जहां पर ये इंटरसेक्ट होते हैं यहां पर हमारे पास में ये प्राइस लेवल है, ये हमारा जीडीपी लेवल है, ये एक क्लियर सेटअप हो जाएगा जहां पर हमारे पास में एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मीन्स जहां पर इक्वल होगा। क्यों ऐसा होता है ये मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब मेरे पास में, अब मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं, मेरा सिचुएशन क्या है, व्हेन पोटेंशियल जीडीपी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल जीडीपी, जीडीपी है, अगर पोटेंशियल जीडीपी ग्रेटर हो, पोटेंशियल जीडीपी क्या हो, ग्रेटर हो, मान लीजिए ये पोटेंशियल जीडीपी है, ये ओ वाई तो इकोनॉमी काम कर रही है, लेकिन इकोनॉमी जो है OY1 ये इतना प्रोड्यूस कर सकती थी, इकोनॉमी OY1 प्रोड्यूस कर सकती थी लेकिन OY ही कर रही है, तो पोटेंशियल उसकी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, पोटेंशियल उसकी कितनी है, यहां से लेकर के OY1 तक है, लेकिन वो कर कितनी रही है, OY कर रही है। एक मान लीजिए कि कोई हलवाई 500 समोसे बना करके बेच सकता है, लेकिन उसका बिक 300 समोसे ही रहे हैं, बात समझ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि जितनी पोटेंशियल है जीडीपी की, जीडीपी जितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकती है, उससे पहले ही एक क्लियर सेटअप हो गया, उससे पहले ही हमारा जो है डिमांड सप्लाई दूसरे को इंटरसेक्ट हो गया, तो इसका मतलब साफ है कि हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए, और जब हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज यहां पर नहीं कर पाए, तो जो पोटेंशियल है जितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस हम कर सकते हैं उससे कम में ही एक क्लियर स्टैब्लिश हो गया, इतना कर सकते हैं, उससे कम में क्लियर हमारा जो है वो क्या हो गया, स्टैब्लिश हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि आपके जो है प्राइसेस जो है वो फॉल होने शुरू हो जाएंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे, आपकी दुकान है आप जितना बेच सकते हो उतना नहीं बेच पा रहे हो, तो क्या करोगे, कीमतों को आप डाउन करोगे और प्राइस आपके यहाँ पर क्या होंगे, प्राइस आपके यहाँ पर फॉल होने कंटिन्यूसली स्टार्ट जाएंगे, और प्राइस के फॉल होने को ही हम रिसेशनरी गैप कहते हैं, रिसेशन कहते हैं, मंदी कहते हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो है जितना आपकी स्ट्रेंथ है उससे आप कम काम कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस, लेस डिमांड ऑफ इनपुट, मतलब कि यहां पर ये कह रहा है कि
कि जितना अपने रिसोर्सेज को अगर आपने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया होता तो आप पोटेंशियल जीडीपी पहुंच जाते हैं, ये पोटेंशियल जीडीपी है। लेकिन आप इससे पहले ही अगर आपकी डिमांड कम है और उतनी ही सप्लाई कर दिया जाए तो आपका इक्विलिब्रियम तो आ गया लेकिन आप पोटेंशियल लेवल पर आप नहीं पहुंच पाए, अपने ऑप्टिमम लेवल पर आप नहीं पहुंच पाए, अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज आप नहीं कर पाए, मतलब लैंड को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, लेबर को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करा, लेबर को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, बेरोजगारी ज्यादा है। और जब बेरोजगारी ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये बेरोजगार लोग जाएंगे कंपनी में बोलेंगे जी हमें 10,000 में, हमें 8,000 में नौकरी दे दो, तो वेजेस रेट क्या होंगे, फॉल होंगे। और जब वेजेस रेट फॉल होंगे तो आपको पता ही है कि फिर सप्लाई क्या होगा, वेजेस रेट अगर फॉल होंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, फॉल हो जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल होगा तो मतलब कॉस्ट जब कम होता है तो सप्लाई बढ़ेगा, और जब सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस क्या होंगे, डाउन होंगे। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं क्या, कि जब हमारा पोटेंशियल जीडीपी एक्चुअल जीडीपी से ज्यादा है इट मींस हम अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और जब अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज मींस लैंड, रिसोर्सेज मींस लेबर, रिसोर्सेज मींस कैपिटल, रिसोर्सेज मींस एंटरप्रेन्योर, हम अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइजेशन जब कर रहे हैं तो जब लेबर अंडर यूटिलाइज हो रहा है, लेबर को पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। और जब बेरोजगारी ज्यादा होती है इकोनॉमी में तो वो जो बेरोजगार लोग हैं वो कम रेट पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वेजेस रेट डाउन होगा। और जब वेजेस रेट डाउन होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होगा, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होगा तो फिर एज अ प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, जब सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस फॉल होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है बात समझे? और प्राइस फॉल होगा तो डिमांड जनरेट होगी, कीमत कम होगी, तो जब डिमांड जनरेट होगी तो फिर इकोनॉमी में डिमांड ग्रेटर होगा, फिर सप्लाई भी बढ़ने लग जाएगा, और इस तरीके से हम पोटेंशियल जीडीपी की तरफ मूव करने लग जाएंगे। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी? हाँ जी, क्या कहता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस, लेस डिमांड ऑफ इनपुट। और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जो है रिसेशनरी गैप कहते हैं, जो ये गैप है ना इसी को रिसेशनरी गैप कहते हैं। तो धीरे धीरे हमारी जीडीपी बढ़ती चली जाएगी, क्लियर है, और हम यहां तक पहुंच जाएंगे। ये रिसेशनरी गैप हमारा, जो ये बीच का आप गैप देख रहे हो बच्चे, ये दिस वन, ये रिसेशनरी गैप है। प्राइस ऑफ इनपुट फॉल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल, प्राइस लेवल फॉल, एंड द रिसेशनरी प्रेशर अराइज, रिसेशनरी आ जाएगा। इसको हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। इन केस रियल जीडीपी इज लेस देन द पोटेंशियल जीडीपी, भैया जो रियल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से क्या लेस देन है, ठीक है ना, देन गैप एग्जिस्ट, तो आपके पास में रिसेशनरी गैप एग्जिस्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ग्रेटर देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज्यादा ज्यादा बेरोजगारी होगी, सिंस देयर आर द मोर जॉब सीकर्स देन द जॉब ओपनिंग अवेलेबल, मतलब जितने काम अवेलेबल नहीं है उससे ज्यादा तो काम करने वाले लोग हैं मार्केट, दे टेंड टू सेटल विद द लो लेवल ऑफ द वेजेस, वेजेस कम हो जाएगा, लोअर वेजेस विल द लोअर द सप्लाई कर्व कॉजिंग द प्राइस टू डिक्रीज, लोअर प्राइस विल द इंक्रीज द कंजम्पशन, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द इकोनॉमी द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हम इसको अचीव कर लेंगे, क्लियर है जी। नेक्स्ट, व्हेन द पोटेंशियल जीडीपी इज लेस देन एक्चुअल जीडीपी, मतलब कि भाई साहब जो पोटेंशियल था ना इकोनॉमी का, जो इकोनॉमी का पोटेंशियल था उससे ज्यादा आप काम करने लग गए, चाइना जैसी कंट्री कहीं ना कहीं सिचुएशन में आ जाती है कि जितनी पोटेंशियल उससे ज्यादा काम करती है। ओरिजन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर प्राइस लेवल है। अच्छे से नोट्स बना करके मैं आपको दे रहा हूं बच्चे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। रियल जीडीपी वही आप एक क्लियर एस्टैब्लिश कर दें, शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड एंड आपके पास में शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगे वो इक्विलिब्रियम लेवल होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, क्या रीजन है, सारी बातों पर चर्चा पहले हो चुकी है, ठीक है। अब मेरे पास में क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल जीडीपी लेस देन, पोटेंशियल जीडीपी कम है, तो आप पोटेंशियल जीडीपी को एज अ वर्टिकल आप बोल सकते हो कि इकोनॉमी यहां पर काम कर रही है लेकिन उसकी पोटेंशियल इतनी ही थी, दिस वन पोटेंशियल उसकी इतनी थी, ये हो गया आपका क्या एक्चुअल जीडीपी, और ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल जीडीपी।
तो आप इतने ज्यादा आप काम करवा रहे हो अपनी इकोनॉमी से, लेबर को 10 घंटे की जगह 15 घंटे काम करवा रहे हो अपने लेबर से, क्लियर है इकोनॉमी के अंदर। तो जो लेबर 10 घंटे काम करने वाले हैं उनको 15 घंटे काम कर रहे हो, रिसोर्सेज को आप ज्यादा यूटिलाइज में अपने लेकर के आ रहे हो। इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज जितनी अवेलेबल है उससे ज्यादा आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अपने पोटेंशियल जीडीपी से आगे निकल के काम कर रहे हो तो रिसोर्सेज को उसके फुल यूटिलाइजेशन से ज्यादा आप यूज कर रहे हो। मतलब कि रिसोर्सेज मीन्स आप एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉयमेंट की नीड है ना, मतलब जितने काम के लोग तलाश कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग काम देने वाले लोग अवेलेबल है, क्लियर है। ये तो होगा ही, जब काम तलाश करने वाले लोगों जितने लोग बेरोजगार नहीं है, जॉब सीकर होता कौन है, आप लोग जो आप सिक्स सेमेस्टर में आ चुके हो और अब आप अपना जॉब ढूंढोगे तो आपको जॉब सीकर कहते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो जितने लोग, क्योंकि एक इकोनॉमी जब अपने पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा एक्चुअल जीडीपी पे है, इट मीन्स वो अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइजेशन से ज्यादा यूटिलाइज कर, ओवर यूटिलाइजेशन कर रही है, लाइक लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेबर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसको लेबर की रिक्वायरमेंट है, और लेबर की रिक्वायरमेंट है जितने जॉब सीकर्स अवेलेबल हो उससे ज्यादा जॉब प्रोवाइडर अवेलेबल है, तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए क्या करेंगे, वो ज्यादा वेजेस देंगे, और जब ज्यादा वेजेस देंगे उनको तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा सप्लाई कम हो जाएगी। बात समझे? जब सप्लाई कम होती है मार्केट में किसी चीज की तो प्राइस उसकी बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, तो फिर आप अभी यहां पर है ना फिसल के वापस पीछे आएंगे। लॉन्ग रन के अंदर आप अपने यहीं पर पोटेंशियल, तो लॉन्ग रन के अंदर बेसिकली एक इकोनॉमी जो उसकी पोटेंशियल होती है वो वहीं पर आ जाती है। शॉर्ट रन के अंदर में भी हो सकता है कि पोटेंशियल से कम काम कर रही हो पर फिर वहीं पे शिफ्ट हो जाएगी, या शॉर्ट रन में पोटेंशियल ज्यादा काम कर रही हो एज अ लॉन्ग रन में वापस वो वहीं पे आकर के रुक जाएगी। तो लॉन्ग रन में एक इकोनॉमी जो है अपने पोटेंशियल जीडीपी पर ही काम करती है, शॉर्ट रन में पोटेंशियल से ज्यादा भी हो सकती है, पोटेंशियल से कम भी हो सकती है। तो इन दिस सिचुएशन द रिसोर्सेज आर द ओवर यूटिलाइज, प्रेशर ऑफ द डिमांड एंड एग्जिस्टिंग द रिसोर्सेज, इनपुट प्राइस विल बी द राइज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज, तो इन्फ्लेशनरी गैप कहती है, इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, क्लियर है। इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल जीडीपी देन द इन्फ्लेशन गैप एग्जिस्ट एट द सेम टाइम द एम्प्लॉयमेंट रेट इज द लेस देन द नेचुरल रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। इन सच अ सिचुएशन जॉब सीकर्स आर लेस देन द जॉब ओपनिंग अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब जितने लोग काम ढूंढने वाले हैं ज्यादा काम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हेंस द एम्प्लॉयर्स आर फोर्स टू रेज द वेजेस टू अट्रैक्ट द न्यू वर्कर्स, हाई वेजेस विल बी द डिक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, जब वेजेस ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा सप्लाई कम होगा, एंड रेज द प्राइस, हायर प्राइसेस विल बी द लोअर कंजम्पशन, दिस प्रोसेस इज द रिपीटेड टिल द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। बात समझे समझे? अरे जो भी स्टार्ट क्लास कर रहा हूं ये तो ले लो, जो स्टार्ट किया मैंने अभी आपका, क्लियर है जी? तो बात आपको समझ में आ गया, तो अब आप रियल जीडीपी सॉरी अब आप जो है एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी के बीच में डिफरेंस भी आप इजिली आप कर सकते हैं कि इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। इस कंटेंट को भी मैं अपडेट कर दूंगा। एक यह है कि एक्चुअल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल जीडीपी एंड द पोटेंशियल जीडीपी। तो एक्चुअल जीडीपी क्या है ये अभी नोट्स में लग जाएगा आपका। तो एक्चुअल जीडीपी इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, एंड पोटेंशियल जीडीपी इट्स इंडिकेट the higher level of the output that an economy can produce when its resources are the fully utilized. Actual GDP ke bare mein kya kehta hai, it is the concerned with the current level of the employment of resources, current level mein kitna production ho raha hai, aur potential GDP it is the concerned with the fully employment of the resources. Aur actual GDP se kya ho raha hai, it's helped to determine the inflationary and deflationary gap, kyunki bhaiya aapke paas mein actual GDP aapka kya hai, isi se pata lag pa raha hai na, actual GDP se isi se to pata lag pa raha hai aapka। पोटेंशियल तो अपनी जगह फिक्स है, इकोनॉमी की पोटेंशियल तो घटती बढ़ती नहीं है ना, जो पोटेंशियल है सो है वो आपका जो है एक्चुअल जीडीपी आप ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, और इसी से आपका इन्फ्लेशन और रिसेशन डेवलप होता है। अगर आप कम कर रहे हैं तो आप जो है रिसेशन में है, ज्यादा कर रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन में पहुंच गए। तो ये वही कह रहा है कि आपका जो एक्चुअल जीडीपी के बारे में कह रहा है, इट्स हेल्प्स द डिटरमाइन द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, और इट और आपका पोटेंशियल जीडीपी इट डज नॉट हेल्प इन द डिटरमाइन द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप। एक्चुअल जीडीपी के बारे में क्या कह रहा है, इट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट, भैया एक्चुअल जीडीपी तो भैया शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में तो भैया पोटेंशियल पे पहुंच जाता है। तो ये कुछ डिफरेंशिएट है, आप इसको इजिली आप कर सकते हैं, पेपर के पॉइंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस महीने में जैसे कि आपको कहा गया है कि एंड ऑफ अप्रैल में आपका सिलेबस पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, और मैं अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देना
स्टार्ट कर दूंगा। देखो, जब आपको ये बताना है रिसेशन, तो रिसेशन का मतलब क्या है आपका, कि जितनी पोटेंशियल है उससे कम पे काम कर रही है इकोनॉमी, यही तो होता है रिसेशन का मतलब, कि जितना अवेलेबल है उससे ज्यादा, उससे कम में सेटलमेंट है। तो जब आपको रिसेशन बताना हो तो पोटेंशियल को आगे बताओ कि पोटेंशियल मेरी ज्यादा है, काम कम पे हो रहा है। और जब आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि इन्फ्लेशन को बताना है, तो जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा आपका जो है चला जाए, आप अपने पोटेंशियल को, अपने जो है उसको कम रखो। तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा आपको रखना कहां पर है। क्लियर है जी? तो ये टॉपिक मेरा खत्म हो जाता है, जिसमें कि डिमांड शॉक बहुत इंपॉर्टेंट था, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड शॉक सप्लाई शॉक, और डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई शॉक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लियर है, और डेरिवेशन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व इंपॉर्टेंट था, और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व बता दिया था मैंने आपको कैसे डेवलप हुआ था, तीन कर्व को मिला के बना था, और उसके बाद जो मेन था इन्फ्लेशनरी गैप और आपके रिसेशनरी गैप, ये इंपॉर्टेंट था, और एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी के अंदर डिफरेंशिएट, ये इंपॉर्टेंट। ये कुछ पॉइंट्स थे जो अभी तक आपके क्लासेस में चल रहे थे, न्यूमेरिकल बीच में डिस्कस कर चुका हूं मैं आपको, इस चैप्टर के नहीं, मैं जो 10 ईयर के।